So, hello, namaste, and welcome back to our channel. I'm Prashant. Today is 2nd September. Time is almost 7 p.m. Finally, हम जैसे bloggers, छोटे मोटे bloggers, बड़े bloggers, जैसे भी bloggers, इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं legally. Because finally, अब government ने drone को कर दिया legalized. I am so happy. Not me only, सारे YouTubers, सारे drone जो pilots हैं, वो सब बहुत खुश हैं कि finally drone हो चुका है India में legal. 5 अगस्त को government ने एक draft जारी किया जिसमें उनने बहुत सारे rules, 15 पन्ने के rules निकाले, उनको अच्छे से revise किया एंड बहुत अच्छे rules आए. वो finally drone को लेके थोड़ी सी safety थोड़ी कम हो चुकी है. अब YouTubers हो गए, drone के pilots हो गए या hobby owners को drone आना अच्छा लगता है, वो सब finally drone उड़ा सकते हैं बिना किसी टेंशन के. बट थोड़े रूल्स हैं, उनको हमें लेके चलना है. रूल्स एक्चुअली सच्ची बहुत अच्छे आए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रूल्स निकाले हैं. हमारी सेफ्टी भी रहेगी, प्लस हम ड्रोन यूज़ भी कर सकते हैं एंड ये लीगल भी हो चुका है, तो आप एयरपोर्ट पर भी लेके घूम सकते हो बिना किसी दिक्कत के. तो गाइस एक एक करके, वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, आपको जो मेन रूल्स आपको बताता हूँ मैं जल्दी जल्दी. लेट्स गो, आई एम सो एक्साइटेड. सो जो मैं रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं सीधा आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. अगर आपको भी चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं. जो पहला रूल है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन. इसमें ये है कि 5 टाइप के ड्रोन इन्हें फाइनल करें. टाइप्स ऑफ ड्रोन पहला हो गया नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज. नैनो में 250 ग्राम तक का आएगा ड्रोन. उसके बाद माइक्रो, माइक्रो में आएगा 250 ग्राम से लेके 2 किलो तक का ड्रोन. स्मॉल में आएगा 2 किलो से लेके 25 किलो तक का ड्रोन. 25 किलो से 150 किलो एंड 150 किलो एंड अबव हो गया हमारा लार्ज. 150 किलो एंड अबव जो हो गया वो मेनली हो गया लाइक ड्रोन की डिलीवरी स्टार्ट करने वाले उनके लिए, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उन सबके लिए हो गया 150 किलो से प्लस. उन्हें बकायदा पूरा लाइसेंस चाहिए होगा, बहुत कुछ उनके लिए है. सो जो सेकंड रूल है वो है ड्रोन सर्टिफिकेशन. इसमें आपको अपने ड्रोन को सर्टिफाई करना होगा. एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको इस क्वालिटी का ड्रोन उड़ाना है, जो कि बहुत अच्छी बात है. एक ड्रोन का क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड सेट कर चुकी है गवर्नमेंट, उस स्टैंडर्ड का आपको ड्रोन उड़ाना है. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया तय करेगी स्टैंडर्ड को एंड वो स्टैंडर्ड तय हो चुका है, उस क्वालिटी का ड्रोन उड़ाना है. उससे ये होगा कि जो इंडियन टेक्नोलॉजीज है वो भी आगे बढ़ के आएंगी, अपना खुद के ड्रोन बनाएंगे, तो मेड इन इंडिया ड्रोन आपको एक दो साल में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है. फाइनली DJI के कंपीट में और इंडियन ड्रोन्स आएंगे, जो कि लिटरली बहुत अच्छी बात है, अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा. सो लोग मेड इन इंडिया ड्रोन्स भी अब लेना स्टार्ट कर देंगे, विच इज एन वेरी अमेजिंग थिंग लिटरली. एंड ऑल्सो आप चाहे नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज कोई भी ड्रोन आ रहे हो, आपको सबको सर्टिफाई करना ही करना पड़ेगा. सर्टिफिकेशन करना बहुत ईजी है, आपको जाना है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पे, आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है, थोड़ी ड्रोन की क्या कहते हैं सीरियल नंबर आपको वो सब भरना है एंड बहुत ईजी मैटर है. एक फीस होगी शायद 1000 रुपये फीस आपको वो भरनी है बस एंड आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बहुत ईजी मैटर. सो जो थर्ड रूल है वो है ड्रोन रजिस्ट्रेशन. इसमें आपको एक UIN नंबर चाहिए होगा, वो होता है यूनिक आइडेंटिटी नंबर, आपको हर ड्रोन में चाहिए होता है. अगर आपके पास नहीं तो आपको फॉर्म D2 भरना पड़ेगा. ड्रोन की थोड़ी बहुत आपको डिटेल से वो डालनी पड़ेगी, बहुत ईजीली मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं. बट इसमें ये होगा कि जैसे हमें मिलता है ना एक हमें कार की RC मिलती है, इस टाइप की एक RC मान लो जिसका ड्रोन है उसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेगा. अगर ड्रोन को कुछ हुआ या सामने वाले को कुछ ड्रोन की दिक्कत से हुआ सेफ्टी में, तो वो नाम आएगा जिसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर है. जैसे मेरा ड्रोन कोई और उड़ा रहा है एंड उससे कुछ हो गया हादसा भगवान ना करे, तो वो सारा नाम मुझ पे आएगा बिकॉज दैट्स माय ड्रोन. तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा. एंड ऑल्सो अगर आपने अपना ड्रोन बेच दिया किसी को, तो उसके लिए आपको एक रजिस्टर करना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ ड्रोन. उसमें आपको फॉर्म D3 बनना पड़ेगा कि आपने अपना ड्रोन बेच दिया किसी को. जैसे हम कार की RC चेंज करते हैं वैसे आपको ड्रोन की RC चेंज करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है. एंड अगर आपका ड्रोन खो गया हो या डैमेज हो गया हो तो आपको डी रजिस्टर भी करना पड़ेगा ड्रोन को, ताकि गवर्नमेंट को पता चल जाए कि ये ड्रोन खत्म हो चुका है, ये ड्रोन अब लीगलाइज नहीं है. सो जो नेक्स्ट रूल गवर्नमेंट ने दिया है वो है एयरस्पेस मैप. इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट डिजिटल स्काई जो कंपनी है, जो मैंने गवर्नमेंट की तरफ से है, वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर एक मैप देगी. आपको उस मैप के रेडियस में ही उड़ाना है. वो मैप आपके टाइप का GPS होगा, आपको बताएगा रेड जोन कौन सा, येलो जोन कौन सा, ग्रीन जोन कौन सा. ग्रीन जोन आपके लिए फ्री है, लाइक ग्रीन जोन मतलब आप वहाँ पे आराम से ड्रोन उड़ा सकते हो विदाउट एनी प्रायर परमिशन. बट अगर आप येलो जोन और रेड जोन में ड्रोन उड़ा रहे हो तो आपको प्रॉपर पुलिस की परमिशन चाहिए होगी. एंड रेड जोन में आपको उड़ाना अवेलेबल नहीं होगा. ये रेड जोन जैसे ताजमहल हो गया हमारा, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया एंड और पब्लिक प्रॉपर्टीज हो गई, वहाँ पर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो. बाकी ग्रीन जोन जैसे मेरा घर हो गया, लाइक मेरे घर का एरिया है, वो ग्रीन जोन में आएगा. येलो एंड ऑल्सो जो पहले येलो जोन हुआ करता था वो एयरपोर्ट के 45 किलोमीटर के बाद से शुरू हुआ करता था, बट अब से एयरपोर्ट 12 किलोमीटर से शुरू हो चुका है. इसका मतलब ये है जैसे एयरपोर्ट रेड जोन में है तो रेड जोन के
रेड जोन के 12 किलोमीटर बाद से आपका येलो जोन स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत इजी हो गया है। एयरपोर्ट के 12 किलोमीटर तक का एरिया रेड जोन है एंड उसके बाद येलो जोन स्टार्ट हो गया है। एंड जो ग्रीन जोन है उसमें भी लिमिट है, उसमें आप सिर्फ 400 फीट दूर तक ड्रोन ले सकते हो एंड 200 फीट ऊपर तक। 200 फीट आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे ड्रोन पायलट्स हैं, इस इन रूल्स के चक्कर में वो और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ड्रोन आते हो तो गाइस कमेंट डाउन बिलो, एंड आपको अच्छी लग रही वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं अपने अगले रूल पे। सो जो नेक्स्ट रूल है वो है ड्रोन लाइसेंस। अब ड्रोन लाइसेंस किस किस को चाहिए, नैनो एंड माइक्रो ड्रोन इसमें बच चुके हैं। नैनो एंड माइक्रो ड्रोन जो उड़ा रहा है उनको ड्रोन लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर्स हो गए या फिर इंपोर्टर्स हो गए जो कमर्शियल पर्पस के लिए ड्रोन ले रहे हैं उनको ड्रोन लाइसेंस चाहिए होगा। एंड पहले ड्रोन लाइसेंस की कीमत बहुत ज़्यादा थी, पहले 3000 रुपये का लाइसेंस था, बट अब उसे घटा के सिर्फ 100 रुपये कर दिया। यस, सिर्फ 100 रुपये का लाइसेंस कर दिया है अब। एंड वो जो लाइसेंस है वो सिर्फ 10 साल के लिए वैलिडेट होगा। जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पासपोर्ट होता है, वैसे ही ड्रोन लाइसेंस भी काम करेगा। वो सिर्फ 10 साल के लिए मैंडेट होगा, उसके बाद आपको उसे फिर रिन्यू करना पड़ेगा। एंड उसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, 18-65 ईयर्स ओल्ड के लोग ले सकते हैं, 18-65 साल के लोग। दूसरा ये कि उसको एटलीस्ट 6th क्लास पास होना चाहिए। एंड तीसरा ये कि उसे जो ट्रेनिंग है उसको उसे कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आपको ड्रोन मिलेगा। यस, इसका मतलब ड्रोन के ट्रेनिंग सेंटर्स इंडिया में भी खुल जाएंगे। सो जो नेक्स्ट फीचर इसका ये आया है वो है इंश्योरेंस। यस, अब आप फाइनली अपने ड्रोन का इंश्योरेंस करवा सकते हो। हम 1-1 लाख के ड्रोन लेते हैं, 2-2 लाख, कोई कोई 1.5 लाख का ड्रोन आ रहा है आजकल। POV वाले ड्रोन आ रहे हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो खो गए तो हमें कुछ नहीं मिलता है। बट अब हमें फाइनली इन ड्रोन्स का हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, थर्ड पार्टी ड्रोन का इंश्योरेंस होगा। एंड फाइनली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इन सब का होगा, बट जो नैनो ड्रोन है जैसे मैं DJI Spark हो गया, उनको कोई इंश्योरेंस जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी पायलट ट्रेनिंग का भी इसमें रूल्स दे रखे हैं। रूल्स जैसे पहला रूल हो गया कि 50 मीटर के एरिया में आपको सिखाया जाएगा ड्रोन कैसे उड़ाते हैं। मैक्सिमम 30 स्टूडेंट इस चीज़ के लिए एक बार में सिखाया जाएगा, वो की बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर आपकी क्लास लगेगी ड्रोन ट्रेनिंग के टाइम, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड टीचर भी वही होगा जिसको लाइसेंस मिल चुका है, तो टीचर को भी पहले टेस्ट देना पड़ेगा, फिर वो बाकी स्टूडेंट्स को सिखाएगा। एंड उसके लिए आपको एक फॉर्म D6 भरना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। एंड उसकी वैलिडिटी रहेगी 10 साल की, जब आपको बता चुका हूँ। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट भी अब ट्राई करे जा सकता है कि ड्रोन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ड्रोन को ड्रोन को अब बिजनेस फ्रेंडली बनाए, बहुत ज़रूरी। जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, प्राइम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब भी ड्रोन्स की अपनी डिलीवरी करना स्टार्ट करें। सो गाइज, आपको क्या लगता है इंडिया में ड्रोन आने से क्या क्या चेंज आएंगे, अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं आपके कमेंट सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ लिटरली। मैं सच्ची चाहता हूँ कि कोई रूल्स आएगा तो प्लीज़। वैसे मैंने बहुत कम रूल्स बताए भी, और 15 पन्ने के रूल्स है लिटरली। अब बात करते हैं आज के हमारे लास्ट रूल की, वो है पेनल्टीज। एक्चुअली ड्रोन की इंडिया में गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, ड्रोन आप उड़ाओ, बट प्लीज़ एक लिमिट में उड़ाओ, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सिक्योरिटीज़ को ब्रीच मत करो, जितने भी व्लॉगर्स देख रहे हैं प्लीज़ ऐसा मत, कोई भी कुछ कांड मत करना कि ड्रोन गवर्नमेंट को फिर से बंद करना पड़े। यार ऐसा मत करो, बहुत मुश्किल से ड्रोन इलीगल हुआ इंडिया में। ऐसा कुछ हरकत मत करना कि ड्रोन वापस इलीगल हो जाए, सच्ची कह रहा हूं मैं। पेनल्टी उसकी अप टू 1 लाख रुपीज कर दी। अगर आपने कोई ड्रोन का रूल तोड़ा तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, प्लस 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, प्लस आपका जो लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, वो सब सस्पेंड हो जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है लिटरली। तभी लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत रूल तोड़ते हैं इंडिया में। सो या दीस वर सम ऑफ द मेन रूल्स ऑफ ड्रोन रेगुलेशन 2021। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों के लिए मुझे जाओ मुझे फॉलो करो। एंड या आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने आसपास फैमिली रखें, प्लीज अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखें। एंड गाइस, आपको क्या लगता है ड्रोन आने से क्या क्या अच्छी बात होगी, क्या क्या बुरी बात होगी, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आप पे ड्रोन है तो गाइस आपने क्या क्या प्लान कर रखा है अपने बारे में, गाइस डू कमेंट डाउन बिलो। तो आपसे अगले ब्लॉग में, लेट्स गो।